नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ ही इस मार्कशीट बनाने में हमें जो ये तीन फॉर्मूले काम लगे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना बोर्डिंग स्कूल एग्जाम्पल के लिए है ठाउं कलैया 25। कॉलम ए जो है उसमें मैंने स्टूडेंट का नाम रखा है, कॉलम बी में मैथ, कॉलम सी में इंग्लिश, डी में सोशल, ई में बिजनेस स्टडी, एफ में इकोनॉमिक्स, एफ में टोटल मार्क्स जो हमें निकालना होगा अगले शीट टू में से हम निकाल कर दिखाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम वही डाटा मैंने कॉपी करके रखे हैं। चलिए और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स हम निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, सम और जोड़ेंगे मैथ, इंग्लिश, सोशल, बिजनेस स्टडी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं ये तीन पांचों मैथ इंग्लिश बोर्डिंग बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स पांचों सब्जेक्ट का यहाँ पे टोटल मार्क आ चुका है। और सिंपली यहाँ से हम करेंगे क्या, ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट का मार्क आ जाएगा। और हम निकालें इनका परसेंटेज। परसेंटेज निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आप दो तरीके से निकाल सकते हैं परसेंटेज की। तो 100 100 100 जो एक विषय का मार्क होता है उस तरह कर सकते हैं। यहाँ आप जितने मार्क्स आए हुए हैं उसमें से 5 डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आएगा। हम ही यहाँ पे वही करेंगे, करेंगे क्या, ये डिवाइडेड बाय 5, सॉरी डिलीट करेंगे इसको, मार्क इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद दिस डिवाइड 5 करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। और सिंपली यहाँ से नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सभी स्टूडेंट का परसेंटेज आ चुका है। और ये स्टेटस में हम क्या जानेंगे, कौन कौन विद्यार्थी पास हुआ है और कौन कौन फेल हुआ है। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हम लगाएंगे इफ का, इक्वल टू इफ अगर राम बाबू का परसेंटेज 40%, राम बाबू का जो टोटल परसेंटेज है अगर वो 40 से ज़्यादा है तो हमें पास लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो फेल लिखा हुआ आ जाए। और ब्रैकेट ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ये जो राम बाबू का मार्क्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं 54.4 है, यानी कि 40 से ज़्यादा है, इसलिए ये पास आ गया। और सिंपली इसको करेंगे ड्रैग। ड्रैग में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक फेल, दो, यहाँ पे तीन फेल का ऑप्शन आ चुका है, बाकी सारे विद्यार्थी पास में है। और एक और फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ये तो पास का हुआ है, अब इसमें हम लगाएंगे क्या, डिवीजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या बोले ग्रेड लगाते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये जो वैल्यू है 80 से ऊपर तो हमें क्या देखा है, ए, ठीक है। अगर ये जो
वैल्यू है हमें 60 से ऊपर हो तो बी देखा है। तो अगर ये जो वैल्यू है 45 से ऊपर हो तो हमें क्या सी देखा है, इससे कम। अगर ये जो हमारा वैल्यू है 40 से ऊपर हो तो डी देखा है। ये तो हमने 40 मार्क तक ले रखे हैं दोस्तों, और 40 से जो नीचे आए उसे हम क्या देंगे, फेल देंगे। सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 40 से नीचे है तो क्या हमें फेल लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे बाइक का क्लोज, इंटर मारेंगे, इंटर। देख सकते हैं ये जो ग्रेड है सी आया हुआ है, सी क्यू आया हुआ है दोस्तों। अगर जो हमारे वैल्यू 45 से ऊपर और 60 के नीचे है तो सी सी लिखा हुआ आ गया, इसीलिए यहाँ पे सी आया हुआ है। और इसको करेंगे नीचे तक ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का मार्क जो हमने छुटवाए थे उसी लेवल में ग्रेड आ चुका है। यहाँ पे अब मिला सकते हैं, यहाँ पे फेल था, यहाँ पे भी फेल है, यहाँ 35 मार्क था उसका, यहाँ पे भी फेल है, यहाँ पे भी फेल है। फाइनली हमारा जो मार्कशीट बनानी थी वो फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी।